मैं जुगू में जैसे आ रही पीली का मेरी बॉडी के ऊपर सन की सी रुई सारा नरक में मंगाऊ लाया ऊपर आंखें खुली मेरी टक से आ जाऊं मौत को छूकर तू लिखता कागज पे ब्रो नो डाउट मैं लिखता तेरी बंदी की रूह पर। हे गाइस, टुस्टा एनीमे पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको देखने से पता चल रहा होगा कि इस स्प्रिंग सीजन में कुछ एनीमे काफी अच्छे लग रहे हैं और कुछ एनीमे थोड़े से फीके पड़ जा रहे हैं। बट इन्हीं के बीच से निकलते हुए एक एनीमे मूवी आई है जिसका नाम है बबल, जिसके बारे में मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में रिकमेंड कर चुका हूं। एंड ये मूवी नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल एडेप्टेशन है जिसे वीट स्टूडियो ने काफी खूबसूरत एनिमेशन के साथ प्रेजेंट किया है। और अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो इसकी स्टोरी मुझे थोड़ी सी नॉर्मल लगी, लेकिन जिस तरीके से इसकी एनिमे को दिखाया गया है उसको देखने के बाद आप सरप्राइज हो जाओगे। एंड इस मूवी को देखते वक्त आपको एक पल के लिए वेदरिंग विथ यू भी याद आ जाएगा, क्योंकि इसमें जितनी भी चीजें दिखाई गई हैं वो सभी वाटर और बबल से रिलेटेड है। और इस एनिमे की स्टोरी का कॉन्सेप्ट भी मुझे यूनिक लगा। वेल, अगर इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी टोक्यो सिटी से स्टार्ट होती है, जहां पर बबल्स के आने की वजह से एक जोरदार का धमाका होता है जिसमें पूरी तरीके से लॉ ऑफ ग्रेविटी टूट जाती है। मतलब कुछ चीजें सरफेस के ऊपर फ्लोट करती है और कुछ चीजें सरफेस पे ही रह जाती है। एंड इस रीजन की वजह से टोक्यो सिटी आउटसाइड वर्ल्ड से कट ऑफ हो चुका है। एंड वहाँ पर एक यंगस्टर का ग्रुप भी होता है जो कि एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर जंप करते हैं एंड उस बबल वाले चीज को मॉनिटर भी करते हैं कि आखिर कैसे हम लोग इस ग्रेविटेशनल फोर्स को नॉर्मल कर सके और इस बबल वाले झंझट से बच सके। एंड इसी में इंट्रोड्यूस होता है अपना मेन कैरेक्टर हिबिकी, जिसे किसी भी चीजों की आवाज बहुत जोर से सुनाई देती है। अब वो चीज कितनी भी धीरे बोल रही हो उसे बहुत तेजी से सुनाई देगा। एंड जो सभी यंगस्टर जंप करते हैं एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर, उन सबसे बेस्ट जंप करता है अपना हिबिकी। एंड ऐसे ही एक जंपिंग कंपटीशन के दौरान हिबिकी बिल्डिंग टू बिल्डिंग जंप कर रहा होता है एंड उसी वक्त उसका पैर फिसलने की वजह से वो पानी में गिर जाता है। एंड उसी पानी के अंदर कुछ स्पाइरल जैसी चीजें बनी होती हैं जिसमें जाने के बाद इंसान को वो अंदर खींच लेता है। बट तभी अपनी फीमेल लीड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होती है जो कि उसे किस देते हुए पानी से बाहर निकाल लेती है। एंड उस लड़की को हिबिकी अपने घर ले जाता है और वहां पर उसका नाम रखा जाता है उता, क्योंकि वो इंसानों की भाषा थोड़े अच्छे से नहीं समझ पाती। अब उस लड़की के भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, वरना ये पूरी मूवी ही स्पॉइल हो जाएगी। तो इस मूवी के अंदर ही आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी कि आखिर ये टोक्यो सिटी पहले जैसा नॉर्मल होता है या नहीं, और ये सारे बबल्स इस दुनिया से वापस चले जाते हैं या नहीं। ये सारी चीजें आपको एनिमे के अंदर मिलेगी। और ये मूवी आपको शायद थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है, बट जिस तरीके से इसके अंदर म्यूजिक और एनिमेशन को प्रेजेंट किया गया है उसके सामने ये बातें फीकी पड़ जाती है। और जो उसमें जंपिंग सीक्वेंस होते हैं उसे देखने के बाद तो आपके होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि इतनी अच्छी तरीके से उसे दिखाया गया है। सो ओवरऑल ये मूवी मुझे काफी अच्छी लगी, आप भी इसे ट्राई कर सकते हो। ये आपको नेटफ्लिक्स पर इजिली अवेलेबल मिल जाएगा। एंड अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का अकाउंट नहीं है तो आप दूसरा तरीका तो जानते ही हो, वो तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं। तो यार यही थी मेरी आज की इस एनिमे मूवी के ऊपर वीडियो। आई नो बहुत ही छोटी वीडियो है, बट इसमें और बताने के लिए कुछ था भी नहीं। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में लेकर कुछ नया, तब तक के लिए गुड बाय।